तो दर्शकों, इस वक्त हम लोग ऊपर आ चुके हैं हनुमान धारा के, और थोड़ी ही दूरी पर आपको मिलेगा हनुमान धारा, और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से दिखता है। और वहाँ पर जो लोग हैं, संत लोग, उनसे पूछेंगे हकीकत क्या है और रियलिटी क्या है। चलिए, मंदिर आ गया हनुमान धारा, बहुत साले कर जाइए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं हनुमान धारा के मुख्य स्थान पर आ चुका हूँ। मुख्य स्थान मतलब जहाँ से हनुमान धारा बह रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहीं से, दर्शकों आप देखिए, यहीं से हनुमान का जो धारा है, हनुमान धारा निकल रहा है, और आप देख सकते हैं, इसी को कहते हैं हनुमान धारा। और हनुमान धारा की मान्यताएं क्या है यहाँ का, और क्या ऐसा चीज है जो भक्तों को यहाँ पर खींच लाती है, इसी के बारे में आज हम इनसे पूछते हैं और जानते हैं पुजारी जी से। तो जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ के, ये इस वक्त देख सकते हैं कि बजरंगबली जी का, हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, और इस वक्त लगे हुए हैं। और क्या हुआ, आइए ना, आइए ना, पूछेंगे पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। तो दर्शकों, ये जान लीजिए कि मुख्य केंद्र यही है जहाँ से हनुमान जी का धारा निकल रहा है। तो आप अच्छा ये बताइए, क्या मान्यता है यहाँ का? वो हमारे पंडित जी बताएंगे। आप पहले आप बता दें। नहीं, वो नहीं, उनसे पूछे सयाने हैं, क्योंकि वो सारी, अच्छा वही बताएंगे, वही बताएंगे आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस वक्त वो हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, आप अपना नाम बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक जान सके। बोलो, बजरंग बली की। देखो, ये नीचे हनुमान जी विराजमान है, ऊपर से गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं 24 घंटे 12 महीने, इन्हीं का नाम हनुमान धारा है। ये हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था, वही लंका जलाने की ज्वाला महाराज के हृदय में रहती थी, उसी के शांति के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को यहाँ पर स्थान दिया है। कब दिया है? जब लंका इत्यादि की विजय करके, श्री अवध का राज करके, भगवान इस मृत्यु लोक से वैकुंठ को जाने लगे, उस समय हनुमान जी महाराज भगवान की चरण सेवा में रहते रहे। एक दिन भगवान बोले कि हे भक्त हनुमान, मैंने जिस कार्य हेतु इस मृत्यु लोक में अवतार लिया था, मेरा कार्य पूरा हो चुका, मेरे भक्तों का दुख दूर हो चुका, मैं वैकुंठ को जाऊंगा। तुमको जो है इसी मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? कि जिस समय तुम लंका में गए थे सीता जी का पता लगाने के लिए, उस समय सीता माता पति वियोग के मारे अपने प्राणों को परित्याग कर रही थीं। उस समय तुमने जाकर मेरी दी हुई मुद्रिका दिया और मेरा खुशी आनंद का संदेशा सुनाया। उस वक्त महारानी सीता जी ने प्रसन्न होकर के लंका में आपको अजर अमर का आशीर्वाद दे दिया। अजर अमर गुण निधि तो हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। इस कारण तुम्हें इसी मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। अब इसके निष्पत्त जो कुछ भी चाहिए सो मांगो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे नाथ, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल आपका सेवा और दर्शन चाहते हैं। हे नाथ, यदि बरबस आप देना चाहते हैं तो जब से मैंने लंका को जलाया है, मेरे हृदय की जो ज्वाला है अब तक शांत तो नहीं, तो मुझे कोई ऐसा सुंदर ठंडा दिव्य भव्य स्थान बतलाया जाए जहाँ पर मैं विश्राम करूँ और भजन करूँ। मेरी लंका जलाने की जो ज्वाला है वो भी शांत होती रहे। जिस समय भगवान मृत्यु लोक से वैकुंठ को जाने लगे, उस समय श्री
अवध धाम से हनुमान जी महाराज को चित्रकूट में लाके ये संकर्षण गिरि नाम के पर्वत पर हनुमान जी को यह स्थान दिया है। उसी समय बाणमार कर ये धारा निकाला। गंगा जी का पता नहीं कि ऊपर में कहाँ से आती हैं, आश्रम के बाद नहीं पता है कहाँ जाती हैं। केवल स्थान के ही अंदर गंगा जी का दर्शन प्रभाव यहीं पर है। स्नान और धारा देते समय भगवान ने हनुमान जी का पांच वस्तु से पूजा किया है, प्रतिष्ठा किया है। ध्वजा, लंगोट, तेल सिंदूर जिससे चोला चढ़ता है, श्रृंगार होता है, आटा का रोट, वही पूजा का नियम अब भी चलता है। भक्त लोग आते हैं, स्वतः सामान लाते हैं, सामान विशेष से पूजा करते हैं। अच्छा पुजारी जी, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं लगभग? हम ध्यान नहीं है, बहुत दिन यहाँ कम से कम इनको हो गया करीबन 25 साल। हाँ 25 सालों से यहाँ पर हैं। दर्शकों आप जान लीजिए, पुजारी जी यहाँ पर 25 सालों से हैं। इनके पहले और पुजारी रहते थे, उनका नाम बता दीजिए। इनके पहले कौन से पुजारी? वो तो खत्म चले गए, ऊपर चले गए। अच्छा, नाम 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 फिर भी नाम याद है आपको, अगर बता सके? नाम तो याद नहीं, नाम नहीं याद है इनको। वो स्वर्ग लोक को की प्राप्ति उनकी हो गई है दोस्तों, ये आप जान लीजिए। और देख सकते हैं कि पुजारी जी इस वक्त हनुमान जी के सेवा में लगे हुए हैं। और दर्शकों ये देखिए, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको हनुमान धारा के साथ साथ संत महात्मा दिव्य लोगों का दर्शन होगा, ये आप जान लीजिए दर्शकों। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको, आइए देखिए, यहाँ से देखेंगे तो आपको सीधा नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखेगा। हनुमान धारा के नीचे से, हनुमान धारा के ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप दिखेगा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राज नारायण। राज नारायण, आप कितने सालों से रह रहे हैं? हम यहाँ हो गया 10 साल हो गए। 10 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग इस वक्त कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे सुबह शाम? यहाँ देखो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। कितने आ जाएं, 10,000 आ जाएं, 1,00,000 आ जाएं, 5,000 आ जाएं, ये तो स्थान का। अच्छा, 1,00,000 कब आते हैं, ऐसा कौन सा होता है? दीपावली में आते हैं, दीपावली सोमवती इसमें आते हैं। 1,00,000 लोग आ जाते हैं, 1,00,000-2,00,000 तक आते हैं। हाँ, ऊपर। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम भरोस है। राम भरोस। तो राम भरोस, आप ये बताइए कि जैसे देख रहे हैं हम कि यहाँ पर बंदरों का सिस्टम कुछ इस तरह का है कि भक्त गणों का बंदर इस तरह से परेशान कर रहे हैं, ना तो प्रसाद ले जा पा रहे हैं, ना ही कुछ ले जा पा रहे हैं। उसके लिए, उसके लिए कुछ व्यवस्था? उसके लिए ना आप रोक सकते हैं उसको, ना रोक सकते हैं, वो तो हनुमान जी हैं। वो तो आप खाने के देंगे तो आपको छोड़ देगा। हाँ। नहीं देंगे खाने के लिए तो आप नहीं, ऐसा सिस्टम कर देते हैं कि प्रसाद भी आप घर पे नहीं ले जा सकते। वो तो देखो बंदर है तो उनको कौन रोक सकता है, ना शासन रोक सकती है, शासन भी तो नहीं रोक सकती है। बहुत शरारती हैं आके बंदर, अगर हम प्रसाद अगर अंदर ना रखे हों बैग के ना तो ये वाह ले लें फिर तो। ये आप जान लीजिए दर्शकों, ये श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं से भी पूछेंगे यहाँ क्या क्या किस तरह का उनके अंदर भाव रहता है यहाँ पर आने के बाद, क्या सोचती हैं यहाँ पर आने के बाद? हम अच्छा भाव रख के इधर आए हैं, हम महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र पुणे। महाराष्ट्र से ये आई हैं दर्शकों, महाराष्ट्र के पुणे से आई हुई हैं, मतलब यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, ये आप जान लीजिए दर्शकों, और श्रद्धा भाव लेकर के आते हैं। चलिए और जगह पर दिखाते हैं, ऊपर इससे ऊपर चलते हैं, क्या नजारा रहता है। सीता रसोई ऊपर है, चलिए दिखाते हैं ऊपर। तो नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप ये जान लीजिए कि हनुमान धारा के सबसे ऊपर आ चुके हैं, और हनुमान धारा के सबसे ऊपर जो पर्वत है इस पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है। और उस मंदिर में कहा जाता है कि ये सीता रसोई है। क्या सीता रसोई है? हाँ, सीता रसोई है, ये पुरानी जगह है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि सीता रसोई है वहाँ पर लक्ष्मण पहाड़ी पर भी है, वहाँ की इसके नाम को तो सगले बनाए बैठे, ये पुराना है। अच्छा, ये पुराना पुरानी जगह है? हाँ, पुरानी जगह है। वो पुरानी जगह नहीं है? नहीं, वो नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो किसकी माने हम बात? सबसे बड़ी बात तो यही, वो बाबा कह रहे हैं कि नहीं यहाँ सीता रसोई है, और आप कह रहे हैं यहाँ पर सीता रसोई है। अच्छा, वहाँ बनाया था और इन्होंने वहाँ पर खिलाया था, जो ऋषि मुनि संत आए थे। अच्छा अच्छा, तो दर्शकों आइए देखिए, ये इस सीता माँ का इस रसोई को भी आप देख लीजिए। उस सीता माँ का उस रसोई को तो आपने देखा था, देखिए इसमें
ये कुछ इस तरह का है, वो भी उसको भी वो भी वो जो सीता रसोई दिखाया गया था, जो वहाँ के संत थे उन्होंने दिखाया था, वो भी कुछ अलग तरीके का था और ये भी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ दो लोग थे और यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं। आ जाइए। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव, आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? हमको हो गए 8 साल रहते। 8 साल से रह रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, हम इसी, हमको ये मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है कि लोग, कुछ लोग वहाँ कह रहे हैं सीता रसोई है, और आप भारत में रसोई 12 हैं, चित्रकूट में 4 हैं। अच्छा। हाँ, बाकी और नासिक पंचवटी में है, अयोध्या में है, महाराष्ट्र में, मतलब जहाँ जहाँ सीता माँ जाती थी वही वही रसोई बन जाता है। बन जाता था रसोई। आगे जाइए चूल्हे में, वहाँ तो आगे बताएंगे महाराज तब ना। कहाँ गए मुख्य पुजारी जी? यहाँ के कहाँ है? आप ही है? अच्छा अच्छा, आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? सचिन तिवारी। सचिन तिवारी, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 10 साल। 10 साल जी। तो यहाँ की मान्यताएं क्या है? यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, क्या मान्यता, किस तरह की मान्यता को सोचकर जान करके यहाँ पर आने का, यहाँ पर आकर्षित होते हैं? आपको ना जानकारी क्या चीज की? नहीं, नहीं, आप बताइए, हम अपने तरफ से बहुत बताएंगे, दर्शक हमारे थोड़ी ना विश्वास करेंगे, आप बताइए। यहाँ पर भगवान जब वनवास में आए थे तो उन्होंने कंदमूल फल उबाल के 5 ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। हाँ। ये वो जगह स्थान है, इसी के लोग रामायण में इसका लिखा हुआ, तभी लोग पढ़कर यहाँ इतना दूर पहाड़ पर वो चढ़कर आते हैं। ठीक है ना, ये वही जगह रसोई। ठीक है, आ जाइए उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या है हकीकत। और शायद मुख्य संत जी आ चुके हैं, मुख्य पुजारी जी आ चुके हैं, और आप सुन देख सकते हैं मुख्य पुजारी जी यहीं है। क्या नाम है पुजारी जी आपका? सबसे पहले दर्शकों का आप अपना शुभ नाम बताइए। राम अवतार तिवारी। राम अवतार तिवारी जी हैं। तो त्रिपाठी, तो यहाँ पर ये सीता रसोई कह रहे हैं, ये सीता रसोई है, और ये कौन सा जगह बता रहे हैं? चूल्हा यहीं पर। कैमरा मैन से गुजारिश करेंगे, दिखा दीजिए देखिए दर्शकों, ये चूल्हा चौकी है माता जी का, और यहीं पर बनाया था और वहाँ पर उन्होंने खिलाया था, उसको भी दिखा दीजिए, वहाँ पर उन्होंने खिलाया था। वहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। तो इस वक्त आप भक्तों को क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ पर आना चाहते हैं, जो यहाँ पर आने का विचार कर रहे हैं? करोगे भाई, बड़ा मजा आएगा। अरे हंस क्यों रहे हो? आप क्यों हंस रहे हैं? पुजारी जी की बात है, उनकी बात आने दो, जितने आता हो। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान धारा का जो मुख्य पर्वत है उसी पर ये घर बना हुआ है, ऋषि मुनि वहाँ पर निवास करते हैं, वास करते हैं, रहते हैं, और ये यहाँ पर इधर दुकानें हैं, यही सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बाहर निकलते हैं, और इधर ही से निकलने का इधर ही है, यही मार्ग आप ये जान लीजिए दर्शकों, राम लक्ष्मण और सीता से, और ख़ास तौर से हनुमान जी से, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर प्रतिमा, 5 ऋषियों मुनियों का आप इस वक्त देख सकते हैं कि भोजन यहीं पर परोसा गया था माता सीता के द्वारा, और इसी वजह से यहाँ पर माता सीता का रसोई भी आप देख सकते हैं। यह है हनुमान धारा का दृश्य, और हर तरफ चित्रित किया गया है रामायण की घटनाओं का, ये आप जान लीजिए दर्शकों। तो दर्शकों, ये आप जान लीजिए कि अब यहाँ का दर्शन कंप्लीट हो चुका है, और आपको ये बता दें कि हनुमान धारा पर अगर आप आएंगे, हनुमान धारा के पर्वत पर आएंगे, तो आपको यहाँ पर ढेर सारी दुकानें आपके लिए, नाश्ता के लिए ढेर सारी दुकानें हैं, और चाय की दुकानें हैं, और भी तरह तरह के सामान हैं, मतलब कॉस्मेटिक के सामान मिलेंगे, श्रृंगार के सामान मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आप ये देखिए कि इस वक्त पहाड़ से, सबसे ऊपर के पहाड़ से किस तरह का व्यू दिखता है, चित्रकूट का नज़ारा देखिए, चित्रकूट का नज़ारा आप इस वक्त देख रहे हैं दर्शकों, चित्रकूट का नज़ारा देखिए कि किस तरह से लगता है पहाड़ से,
जो हनुमान धारा वाला जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम क्या है? हनुमान धारा पहाड़ का नाम क्या है? बब्बा से पहाड़ का नाम क्या है? हनुमान धारा कहा थी। अच्छा, इसको हनुमान धारा पर्वत ही कह सकते हैं आप। और देखिए किस तरह से दिख रहा है, रात का नजारा किस तरह से आपको दिख रहा है। उधर दूर का जो दिख रहा है वो भी दिखा दीजिए। देखिए दर्शकों, दूर से किस तरह से दिख रहा है, मोदी का की वही। यही सब आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ पर आएंगे। दर्शकों जरूर आइएगा आप। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।